कुकिंग क्लास चल रहा है, इसमें आप लोगों को आज पोंगा बड़ी बनाना बताएंगे। पहले आप सभी को बता दें, यह पोंगा बड़ी सभी बड़ियों में बेस्ट और नंबर वन होता है। यह बड़ी जिमी कंद के ऊपर जो पोंगा निकला रहता है, आषाढ़ के महीने में जो पोंगा ऊपर निकल आता है, मिट्टी के नीचे जिमी कंद रहता है, तो उसी पोंगा से बनाया जाता है। इसे बनाने में मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, पर यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और सभी बड़ियों से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप लोगों को बता दें, इसे हमारे छत्तीसगढ़ में लेड़गा बड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए जो पोंगा लगेगा वह हम अपने ही बगीचा से लेंगे। इसमें लगने वाला सामग्री ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पोंगा काट के लाएंगे बगीचा से और उड़द दाल, सिर्फ दो ही सामग्री से यह बड़ी बन जाएगा। इसकी दाल जो झिंगा के रखेंगे, धोने के बाद हम सिलबट्टे में ही पीसेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग एकदम ताज़ा पोंगा काट करके ले आना है आप लोगों को बगीचे से। तो देखिए, ये हमारे बगीचे का जिमी कंद का पोंगा है, ताज़ा है। इसी को कटवा के बनाएंगे, इसको एकदम ताज़ा है, अपने बगीचा से लेंगे, इसी को कटवा के बनाएंगे। नीचे से इसको काटो। ठीक है ना मैम? हाँ ठीक है, उसको भी काटिए। इसको एक एक बित्ता में पीस करना है, पीस कीजिए एक एक बित्तम। हाँ ऐसे, ठीक है ना मैम? हाँ ठीक है, बस एक एक बित्तम करते जाइए। उसके बाद इसको छीलेंगे। देखिए जैसा आप लोग लाए हैं, ये ऊपर का पत्ता है, इसको नहीं डालेंगे। नीचे का जो पोंगा निकला है उसे छील के उसे कूटेंगे खलबट्टे में। ये उसके ऊपर का भाग है, इसको नहीं डालना, सिर्फ पोंगा से बड़ी बनाएंगे। आप लोगों को इसकी मात्रा बताएंगे, कितना पोंगा का जो छील के कूट के निकालेंगे उसमें कितना दाल डलेगा वो मात्रा बताएंगे। एक चीज़ नोट करने वाली बता देते हैं, इसको बनाते समय हाथों में बहुत ही खुजली होने का डर रहता है, इसीलिए दस्ताने हाथ में पहन के बनाना है इसको। जैसा कि बता रहे थे आप लोगों को, पहले के समय में इसको जब बनाते थे तो हाथों में बहुत ज़्यादा तेल लगा लिया करते थे ताकि ज़्यादा खुजली ना हो। आप लोग दस्ताने पहन करके इसको बनाएंगे। अभी बताते हैं इसको छीलना और खलबट्टे में कूटना है। पहले नहीं, अभी इसका नहीं बनाएंगे, अभी पोंगा का बनाएंगे। सबसे पहले इसका छिलका उतारना है, इसके
के बाद इसको छोटा छोटा पीस में काटेंगे और अलबट्टा में कूटेंगे। इसमें अलबट्टा घूटने से या बड़ी आयरन से भरपूर रहता है, जो कि मिक्सी में पीसने से नहीं आ पाता है। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में रहेगा। एक चीज नोट करने वाली है, जब भी इस बड़ी को बनाए हाथ में दास्ताना पहन ले तो खुजलाने का डर नहीं रहता है। उड़द दाल का जो पेस्ट अस्सी बट्टे में पिसवाए हैं, 1 किलो है, इतना पेस्ट हमें 1 किलो उड़द दाल लगेगा। उसको फिर बट्टे में पिसवाए हैं और ये इस बड़ी को बनाने के लिए दास्ताना पहनना बहुत ही ज़रूरी है। उसको दास्ताना पहन के ही बनाया जाता है, नहीं तो हाथ में खुजलाहट होने लगेगा। के ऊपर जो पोंगा बनता है उसका पेस्ट 1 किलो है, उड़द दाल का पेस्ट भी 1 किलो है। इसको कभी भी बनाएं दास्ताना हाथ में दास्ताना पहन करके ही बनाएं। यह हमारे छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बड़ी है, सभी बड़ियों में या सबसे बेस्ट
देखिए यह पोंगा बड़ी बन करके तैयार है और सूख भी गया है, यह पूरी तरह से सूख गया है। इसको जब भी बनाएं टमाटर डाल करके ही बनाएं, और इसका रंग काला इसलिए है क्योंकि इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में है। खलबट्टा में कूटवा करके ही बनाए हैं, इसलिए इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में है। और टमाटर में बनाएंगे तो यह बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। यह हमारे छत्तीसगढ़ के नंबर वन बड़ी है और इसका स्वाद बहुत ही बेस्ट रहता है। एक चीज़ तो आप लोगों को बता दें, हम जब भी कुकिंग क्लास लेते हैं तो जो सामग्री हमारे बगीचे में उपलब्ध रहती है, हमारे बगीचे में जो भी साग सब्जी फल फूल जो भी होता है, राजधानी में ही हमारा बगीचा है, तो जो भी बगीचे में रहता है उसी सामग्री से हम कुकिंग क्लास लेते हैं। तो आप लोग भी बनाइए यह पोंगा बड़ी, बहुत ही स्वादिष्ट है। सारे बड़ियों में इसका स्वाद सबसे बेस्ट होता है, और इसका पोंगा आप लोगों को कहीं भी बाड़ी रहती वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी बना सके। और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।